नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट और यूपीटेट एग्जाम 2019 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। तो चार विकल्प यहाँ पर हैं और इन चार विकल्पों के माध्यम से आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये सही है। यह विद्यार्थी के तनाव को कम करता है, ये भी सही है। थर्ड है, इससे नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, ये भी सही है। और ऑप्शन फोर्थ है, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर गलत कथन जो होगा वो ऑप्शन फोर होगा। चलिए अगला है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। प्रगतिशील भूमिका, प्रभुत्ववादी भूमिका, प्रजातांत्रिक भूमिका या प्रभावशाली भूमिका में। तो एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, प्रजातांत्रिक भूमिका ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसका सही उत्तर। चलिए अगला है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक और राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन या स्वयं को रोजगार देने के लिए तैयार करना। तो अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ इसका सही उत्तर। अगला है, एक प्रभावी शिक्षक वह कर सकता है जो कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना या फोर्थ है दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जाँचना। तो देखिए, प्रभावी शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, समूह शिक्षण है। अब समूह शिक्षण जो होता है वो क्या होता है, संसाधनों व रुचि विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हैं। तो शिक्षकों के द्वारा शिक्षण समूह है। सेकेंड है, शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। थर्ड है, स्कूल के शिक्षकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। और फोर्थ है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे छोटे समूह में बांटकर शिक्षण देना है। तो समूह शिक्षण जो होता है वो संसाधन रुचि विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हैं। तो शिक्षकों के द्वारा समूह शिक्षण है, ऑप्शन फर्स्ट होगा यह इसका उत्तर। चलिए अगला है, एक बच्चा जो रक्तस्थान से ग्रस्त है वह स और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो बच्चे को यहाँ पर पढ़ने से संबंधित दोष है, तो ये दोष कौन सा होता है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, पठन संबंधी विकार जो होता है ऑप्शन थर्ड डिसलेक्सिया होता है। अगला है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। सेकंड है, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। थर्ड है, बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें। या फोर्थ है, बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। तो यहां पर सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जाँचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कब कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। थर्ड है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। फोर्थ है, व्यवहार के नियम स्पष्ट बना करके। तो शिक्षक बच्चों के अंदर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए या अलग से संचालित होना चाहिए या अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। तो इसको जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है, विरासत की प्रशंसा करना या छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। थर्ड है, केवल एक सही है। फोर्थ है, दोनों सही है। तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन फोर्थ बन जाएगा यह हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, जब बालक की परीक्षा
द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को रिक्त स्थान कहते हैं। वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उस परीक्षा को हम विश्वसनीयता कहते हैं। चलिए अगला है, रिक्त स्थान में मापन की भूमिका में सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्णात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या निदानात्मक मूल्यांकन या फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर उत्तर बनेगा योगात्मक मूल्यांकन में मापन में भूमिका में सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। अगला है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलाप के सुधार हेतु संचालित किया जाता है रिक्त स्थान कहलाता है। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उस अनुसंधान को हम कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ हमारा उत्तर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना, तो यहाँ पर लिखना जो है ये एक सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था, तो अधिनियम 2009 है परंतु ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला है, प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है, संबंध, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता, तो प्रगतिशील परिवारों के अंदर उपलब्धि वाला प्रेरक जो होता है ये अधिक प्रेरक होता है, प्रबल होता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो यहाँ पर पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है, सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण, तो यहाँ पर स्वस्थ वातावरण जो है ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किसने, मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने या क्रेडल ने, तो यहाँ पर हिप्पोक्रेटस ने ये पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, किया था अल्फ्रेड बी ने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या थर्स्टन ने, तो ये स्पीयरमैन ने दिया था सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत, ऑप्शन सेकेंड। अगला है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसे हम कहते हैं रक्षात्मक यांत्रिकता, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है, तनाव, डिस्लेक्सिया, पिछड़ापन या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर मस्तिष्क की संरचना और कृतियों में विभेद का जो परिणाम है वो बनेगा डिस्लेक्सिया। अगला है, गणित में अधिगम निरोगता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या स्क्रीनिंग परीक्षण, तो ये किया जाता है निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर। अगला है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, पृथक शिक्षा, संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा या सहयोगात्मक शिक्षा, तो सभी के लिए शिक्षा, सभी की शिक्षा के लिए एक प्रचार वाक्य होगा समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, उत्प्रेरणा, पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता, तो यहाँ पर आवश्यकता जो है इसकी शब्दावली अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है।
अगला है प्रभावपूर्ण व्याख्यान मौलिकता और लचीलापन रिक्त स्थान के साथ संबंधित तत्व है। तो ये संबंधित तत्व किसके साथ है? त्वरण, सृजनात्मकता, गुण या अपसारी चिंतन। तो ये अपसारी चिंतन के साथ संबंधित तत्व है, ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ इसका सही उत्तर। अगला है रिक्त स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। फर्स्ट है सुरक्षा उन्मुखी, प्रभावी, भावात्मक या संरक्षण उन्मुखी। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन थर्ड, भावात्मक। अगला है निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? सहानुभूति देना, याद करना, गति प्रक्रमण, विचार करना। तो यहाँ पर सहानुभूति देना ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पर ये सहानुभूति लिखा है तो इसको सहानुभूति हम बोलते हैं। चलिए अगला है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। विश्लेषण, स्मरण, समझ या सृजन वाले प्रश्न पर। तो सृजनात्मक जो प्रश्न होते हैं इन पर अधिक समय देने के लिए विद्यार्थियों को कहा जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिक हमको सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? माता पिता की ओर से दबाव, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता संबंध या अर्थपूर्ण संबंध। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो होगा अर्थपूर्ण संबंध ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला है एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा? तो उसका बुद्धि लब्धांक जो होगा यहाँ पर वो होगा 120, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ इसका सही उत्तर। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।